पाकिस्तान ने तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर देने हैं उन चीनी कंपनियों को जिन कंपनियों ने हमारे साथ कारोबार किया है बिजनेस। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है कि थोड़ा सा प्लीज हमें घबरा लेने दें। पहली वजह समझ आई है जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने आज हमें बताया, वो ये है कि पाकिस्तान ने तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर देने हैं उन चीनी कंपनियों को जिन कंपनियों ने हमारे साथ कारोबार किया है बिजनेस किया है, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगाए थे बिजली के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों के हवाले से। और यही वजह है कि हम पाकिस्तान जो सी पैक का प्रोजेक्ट जो इसका जो 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 पार्ट टू है जो फेज टू है जो शुरू करना है वो हम कम्प्लीट नहीं कर पा रहे बिकॉज कि हमने उनके पैसे देने हैं। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब के लिए एक जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये है कि सीपैक और ग्वादर को लेकर के ग्वादर के अंदर बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। मेन स्ट्रीम मीडिया अमूमन प्रोटेस्ट को कवर नहीं करता, उनकी मजबूरियां होती हैं जारी बात है, और वैसे तो हम एक फ्री मीडिया कहते हैं लेकिन हमने हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने ग्वादर को जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसने ग्वादर के अंदर जहाँ पे ग्वादर पोर्ट है, चाइनीज की बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, सीपैक पे हमने चाइनीज के पैसे देने हैं 1.5 बिलियन डॉलर जिसकी वजह से सारा प्रोजेक्ट रुका हुआ है, स्लो है। दूसरा जो अवाम है बलोचिस्तान की और ग्वादर की वो थोड़े गुस्से में है और वो कह रहे हैं कि भाई आपने हमसे वादे किए हुए थे वो वादे किधर हैं, वो आपसे वादे वफा ही नहीं हुए गए तो आपने वो वादे हमारे पूरे करें। अब देखिए, और दूसरा ये कि इमरान खान साहब आज कह रहे थे जी हम राइट से भी बात करेंगे, लेफ्ट से भी बात करेंगे, लिबरल से भी बात करेंगे, मौलवियों से भी बात करेंगे, से भी बात करेंगे, पता नहीं कब बात करेंगे, कब ये टाइम आएगा। उधर ऊपर से मजे की बात देखें कि जो जो सबसे बड़ा गेम प्लान देखें अफगानी तालिबान खेल रहे हैं वो ये है कि जो आपको याद होगा कि जो थोड़े दिन पहले सीज फायर कल की मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें कहा था कि अफगान तालिबान टीटीपी वालों ने कहा जी हम तो विड्रॉ कर रहे हैं, हमने तो यूनिलैटरली सीज फायर जो है वो कर दिया है, और साथ ही उन्होंने कहा था कि हम जो है वो टीटीपी जो है वो जो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान की एक ब्रांच है। तो टीटीपी ने कहा जनाब के जो उसके जो हेड हैं वो उन्होंने कहा था ये, लेकिन अफगान तालिबान ने ये कहा है जनाब के नहीं वो हमारी ब्रांच नहीं है। ये एक अच्छा तरीका है, ये हमारे साथ गुड कॉप बैड कॉप खेलने लगे हैं। अब एक तरफ तो ये हकूक मांग रहे हैं कि हमें हकूक नहीं दे रहे हुकूमत पाकिस्तान, और दूसरी तरफ चीन और चाइनीज के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्लो हो गए हैं। सो नुकसान जो मुझे समझ आ रही है, नुकसान जो इस वक्त पाकिस्तान का ये हो रहा है कि पाकिस्तान पे एक तो चाइनीज ने जो है वो हम पे ट्रस्ट करना थोड़ा कम कर दिया है। जो प्राइवेट इन्वेस्टर है, हुकूमत की तो मजबूरी है, चाइनीज बड़े स्मार्ट थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारे जो मंसूबे थे वो खुद नहीं लगाए, सरकार ने मंसूबे नहीं किए, उन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टर को साथ ले किया क्योंकि उनको पता था कि कल को पाकिस्तान या दुनिया के जो भी ममालिक जहाँ पे हम जाते हैं तो हम कहेंगे जी ये तो प्राइवेट कंपनी है, हम इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये प्रॉफिट पर काम करती हैं, हम इनको लेके तो आए आपके साथ। अब वो जो कंपनीज हैं हमने उनके पैसे देने, जिस तरह हमारे फाइनेंस एडवाइजर साहब ने कहा है कि 1.5 अरब डॉलर हमने देना है उनका, और जिसकी वजह से क्योंकि वो पहला फेज खत्म नहीं हुआ, अभी पहला फेज खत्म नहीं हुआ दूसरा फेज शुरू होना है और सीपैक ऑलरेडी स्लो है। उधर से बलूचिस्तान के लोग, ग्वादर के लोग जिनसे प्रॉमिस किया गया था कि वो जनाब हम उनको देंगे डेवलपमेंट देंगे, हम उनको जॉब्स देंगे, हम उनको नौकरियां देंगे, वहाँ पर एक्सपोर्ट होगी, वो नाराज़ है कि भाई यहाँ पर तो चेक पोस्ट आ गई हैं सारी, यहाँ पर तो जो है वो सिक्योरिटी अपरेटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, बड़ा हो गया, आवाम जो है उनको उस तरह की एक्सेस नहीं दी जा रही जिस तरह की एक्सेस दी जानी चाहिए, या आवाम को वो हकूक नहीं मिल रहे जिस तरह के उनको हकूक मिलने चाहिए। सो ये जो एक परेशानी है बलूचिस्तान के अंदर थोड़ी बढ़ती जा रही है। मरकज़ में ये है कि सीपैक ऑलरेडी बड़ा स्लो है।